हाय दोस्तों, फरिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड जेली शरबत। समर स्पेशल और इफ्तार स्पेशल आज हम शरबत बनाने वाले हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बनाते हैं कस्टर्ड जेली शरबत। कस्टर्ड जेली शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, हमने लिए 3 कलर की जेली, रेड, येलो और ग्रीन। अगर इसका वीडियो आपने मेरे चैनल पर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। शक्कर ली है, कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर में ली है मैंने, सब्जा के बीन्स, ड्राई फ्रूट पीसे हुए, काजू बादाम और पिस्ता, और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम सब्जा को भिगा के रखेंगे, पानी डाल देंगे उसमें और इसे साइड में रख देंगे। ये अपने आप फूल जाएंगे 2-3 मिनट में। कस्टर्ड पाउडर ली है मैंने, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ली है क्योंकि हमें शरबत बनाना है। इसमें डालेंगे हम ठंडा दूध। अच्छे से इसे घोल लेंगे हम दूध के साथ। कस्टर्ड पाउडर हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें शरबत बनाना है। 2 टेबलस्पून ही लेना है बस 1 लीटर दूध के लिए। मिक्स कर लिया हमने अच्छे से दूध के साथ। कस्टर्ड पाउडर को साइड में रख देंगे। 1 लीटर दूध रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। दूध में अच्छा सा एक उबाल आने देंगे हम। दूध में आ गया अच्छे से एक उबाल। अब डालेंगे इसमें हम शक्कर। मीठा अपने हिसाब से डालिए क्योंकि हम जो जेली डालने वाले हैं वो भी मीठी है। दूध के साथ शक्कर को अच्छे से घोल लेंगे हम। घुल गई शक्कर अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम काजू बादाम और पिस्ते का पाउडर। आप पाउडर की जगह पे कट करके भी डाल सकते हो बारीक बारीक। डाल दिया हमने काजू बादाम की पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको दूध के साथ। मिक्स कर लिया अच्छे से। डाल देंगे इलायची पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे दूध के साथ अच्छे से। फ्लेवर के लिए डाल रही हो आप, केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो या वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो। अब डालेंगे इसमें हम कस्टर्ड पाउडर का जो हमने घोल बना के रखा था। धीरे धीरे करके डालना है हमें और चम्मच चलाते रहना है दूध में ताकि लम्स ना हो कस्टर्ड पाउडर के। डाल दिया हमने सारा घोल कस्टर्ड पाउडर का दूध में। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना जाए। अच्छे से पका लिया हमने दूध को। अच्छे से एक उबाल आने देंगे हम कस्टर्ड शरबत में। आ गया है उबाल। अब बंद कर देंगे हम गैस को और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। देखिए इतना गाढ़ा चाहिए हमें शरबत। हमें कस्टर्ड शरबत बनाना है, कस्टर्ड नहीं। इसे ठंडा होने देंगे हम और फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है शरबत को। देखिए पहले से इतना गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड शरबत हमारा। अब इसे हम एक जग में निकाल लेंगे या कोई भी बर्तन में निकाल सकते हो आप। निकाल लिया मैंने सारा शरबत एक जग में। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने भिगो के रखी थी सब्जा के बीन्स। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए वरना स्किप करिए। पेट के लिए ठंडा होता है इसलिए हम समर में इसको ज़्यादा पीते हैं शरबत के साथ।
डाल देंगे हम सब्जा के बीन सारे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम शरबत के साथ। अब डालेंगे इसमें हम जेली जो हमने घर में बनाई है। येलो जेली डाल देंगे हम शरबत में, रेड वाली जेली भी डाल देंगे और ग्रीन वाली भी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम जेली को शरबत के साथ। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। ये हो गया रेडी हमारा कस्टर्ड जेली शरबत। अब इसे हम सर्व करेंगे। कर लिया हमने सर्व। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।